हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम शेफ राम शेफ पवार और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार सी रेसिपी, पनीर टिक्का लबाबदार। बहुत सुना होगा नाम आपने रेस्टोरेंट में, तो आज बनाएंगे इसको घर पे। आप लोग बनाइए, मैं तो रेस्टोरेंट में बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल लिया, गार्लिक लिया और इसमें डाल दिया ग्रीन वाली शिमला मिर्च। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं चॉप मसाला। चॉप मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल रखी है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं अगर आपको चॉप मसाला में कन्फ्यूजन हो। उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चॉप मसाला और चॉप मसाले को हम अच्छे से थोड़ा इसमें रोस्ट करेंगे। चॉप मसाला पहले ही अच्छी तरीके से हमने पका रखा है, तो अभी थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे हल्का तेज़ फ्लेम में। तेज़ फ्लेम में इसलिए कि थोड़ा स्मोकी आएगा, स्मोकी टेस्ट आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा जब आप इसको रोटी के साथ में खाने वाले होंगे, तो हल्का सा आपको लगेगा स्मोकी। पनीर टिक्का मैंने पहले ही तंदूर में रोस्ट करके रखा हुआ है, अगर आपको वो उसकी रेसिपी भी देखना है तो पनीर टिक्का की रेसिपी मैंने भी वो भी डाली है, उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद मैंने इसमें मिलाई है टमाटो ग्रेवी और वाइट ग्रेवी, दोनों की रेसिपी चैनल पर डालने वाला हूँ, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अभी इसमें सीजनिंग होगी, धनिया डाल दिया, थोड़ा सा जिंजर जुलियन वाला, सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, किचन के और एक मसाला और डालने वाला हूँ। आप चाहें तो आप वोइट भी कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन है कि आप उसको ज़रूर डालें, वो है गरम मसाला, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो। उसके बाद इसमें पनीर टिक्का ऐड कर दिया मैंने और इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। अब ये फ्लेम पे छोड़ा हुआ है, हल्का सा और स्मोकी चाहिए मुझे, तो इसलिए आप स्मोकी अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैंने ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है, वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है, पर पनीर टिक्का लबाबदार जो खाता है वो थोड़ा चटपटा सी होता है, तो आप इसमें ग्रीन चिली चॉप या पेस्ट ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा चटपटा सा लगेगा। तो ये पनीर टिक्का लबाबदार हमारा रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है। इतना जल्दी अगर आपको पनीर टिक्का लबाबदार बनाना है तो कमेंट करो, मैं आपको पूरी चौ मसाले की रेसिपी देखूँ और मैं इसमें टमाटो ग्रेवी और वाइट ग्रेवी की रेसिपी भी डालने वाला हूँ। अगर आप इनमें से कोई ऐड भी नहीं करते हैं, टमाटो ग्रेवी और वाइट ग्रेवी, तब भी आपका पनीर टिक्का लबाबदार बहुत यमी होने वाला है। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रेसिपी बताऊँगा। देखो क्या साइनिंग आई है पनीर टिक्का लबाबदार में, और बहुत ही अच्छा यमी टेस्ट इसका है, ये मैं देख के बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा यमी होने वाला है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया, जिंजर, जिंजर आपको जुलियन में काट लेना है, पतले पतले से जुलियन कर लेना है जिंजर के। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्रीम, बहुत ही अच्छी गार्निश, ये थोड़ा सा क्रीम और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर ऊपर से हल्के सा ग्रेट करेंगे, जो ये थोड़ा सा और भी यमी हो जाए। ये कमाल हो गया ना, जिसको भूख भी नहीं होगी उस वो भी खाना शुरू कर देगा, वो भी बोलेगा मेरे लिए भी एक रोटी ले आओ। तो ऐसे ही आपको घर पे बनाना है पनीर टिक्का लबाबदार। रेसिपी में आपको थोड़ा सा कहीं पे भी कुछ लगता है कि कहीं पे समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये पनीर टिक्का लबाबदार रेडी है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जिनको भी खाना बनाने का शौक है घर में, उनकी थोड़ा हेल्प हो जाएगी, आपको दुआएं देंगे, मेरे को नहीं देंगे।